गाइज वेलकम टू फनाटिक्स गेमिंग, दिस इज रितिका एंड आई एम बैक विद न्यू वीडियो पबजी। एंड गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल लिविक एडवेंचर इवेंट में जो बहुत लोगों को इशू आ रहा था डाउनलोडिंग इवेंट वाला, उसका सोल्यूशन मैंने लास्ट वीडियो में बताया, सो वीडियो को ज़रूर से चेकआउट करना। एंड ऑल्सो आज एक नया इवेंट आया है लकी वर्कशॉप करके, जो कि देखने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान इवेंट है। मैं बताती हूँ किस तरीके से करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे तीन चीज़ें, पहला वुड प्रोडक्शन करता है, दूसरा एल्यूमिनियम प्रोडक्शन करता है और तीसरा स्टील प्रोडक्शन करता है। तो यहाँ पे तीन चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो। और जो आप ये टाइमर देख रहे हो, जैसे ये टाइमर ख़त्म होता है तो आपको एक वुड, एक एल्यूमिनियम ब्लॉक और एक स्टील, ये तीनों चीज़ें एक एक कलेक्ट कर सकते हो। राइट इन साइड टॉप पे आप देख सकते हो अभी ये तीनों चीज़ें जो हैं ज़ीरो है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज़ है लाइटर, जो कि बहुत ही रेयर है, तो वो आपको इजीली नहीं मिलेगा, वो भी बताती हूँ किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले अभी समझ लो यहाँ पे जितना टाइमर लिखा हुआ है, इतने टाइमर में आपको ये तीनों चीज़ें आपको एक एक करके मिल जाएंगी। और जब ये सारी चीज़ें आप पांच बार कलेक्ट कर लेते हो, जैसे पांच बार वुड कलेक्ट करी तो आपको नीचे ये रेड वाली क्रेट मिल जाएगी, पाँच बार एल्यूमिनियम ब्लॉक कलेक्ट करने पर आपको ये पिंक वाली क्रेट मिल जाएगी, और पाँच बार स्टील कलेक्ट करने पर आपको ये पर्पल क्रेट मिल जाएगी। और इन क्रेट में से काफ़ी सारी चीज़ें निकलेंगी, जैसे फर्स्ट जो रेड वाली क्रेट है यहाँ से आप देख सकते हो पॉपुलर है, एजी करेंसी है, कुछ स्क्रैप मिल रहा है और पैराशूट की स्किन है, एक आउटफिट है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी पांच बार वुड कलेक्ट करने पे। देन उसके बाद है एल्यूमिनियम, जिस पे आपको ये सेम चीज़ें और साथ में स्कारल की स्किन और शूज़ मिल रहे हैं, ये दोनों ही चीज़ें टाइम लिमिटेड होंगी। सिमिलरली लास्ट क्रेट में आपको एसकेस की स्किन और यहाँ पे एक हेड गेयर मिल रहा है और बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो ये आप ऐसा कर सकते हो कि ये जैसे ही टाइमर ख़त्म हो ये सारी चीज़ें कलेक्ट कर सकते हो, पर यहाँ पे आपको तीन चीज़ें देखने को मिल रही हैं टॉप पे, जो तीनों पे लिखी हुई हैं, प्रोडक्शन बूस्ट, प्रोटेक्शन और थेफ्ट बूस्ट। ये तीन चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, तो इसके नाम से काफ़ी क्लियरली समझ आ रहा है। प्रोडक्शन बूस्ट से आपको जो टाइमर है वो कम हो जाएगा, प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगी, मतलब ज़्यादा आपको जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें मिलेंगी। बाकी दोनों समझने के लिए पहले आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक फ्रेंड लिस्ट बनी हुई है जिसमें आपके फ्रेंड्स के सारा दिया हुआ है, और उसमें आपको ऑप्शन हर फ्रेंड के आगे मिल रहा है गेट आइटम्स का, लेकिन अभी उनके पास वर्कशॉप में खुद नहीं निकली, उन्होंने भी अभी तक खुद कलेक्ट नहीं करी है, तो उनको भी अभी तक नहीं मिला है। तो जैसे ही आप देख सकते हो यहाँ पर मिल गया, अभी यहाँ पे एक फ्रेंड को मिल गया है, तो यहाँ से मैं जाके गेट आइटम से कलेक्ट कर सकती हूँ, स्टील कर सकती हूँ और वो बूस्टर अपने में लगा सकती हूँ। अब ये जो है मैंने स्टील करके अपने में लगाया, अगर मेरे को बचाना है किसी और से कि और कोई फ्रेंड मेरे से स्टील करे, तो यहाँ पे जो है प्रोटेक्शन वाली चीज़ जो है वो अब यहाँ पे काम आती है। और बात रही थेफ्ट बूस्ट की, तो आप वही है कि इससे आप थेफ्ट जो है ज़्यादा बढ़ा सकते हो, उसका बूस्टर है। तो ये तीनों का ये काम है, और आपको इसको कलेक्ट कैसे करना है मैं वो बता देती हूँ। तो आपको पता ही है रैंगल में अभी जो स्पार्क द फ्लेम करके नई चीज़ आई है, और यहाँ पे तीन जगह बनी हुई है जहाँ पे आप जाते हो, स्टर्म ग्रेनेड जैसी एक स्टैचू आपको दिखाई देता है, वहाँ से आपको इग्नाइट करना है, वहाँ से आपको कलेक्ट करनी है जो भी लूट कलेक्ट करनी है। और नॉर्मली यहाँ से डायरेक्टली नहीं मिलेगा, बट जैसे ही आप गेम खेलते हो इग्नाइट करते हो, जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे बूस्टर मिलेंगे। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक गेम खेली है, वहाँ से इग्नाइट करा और यहाँ पे मेरे को ये तीन मिल चुके हैं। और जितना आप अपने फ्रेंड्स के साथ एक्सचेंज करते हो आइटम्स, उतना ज़्यादा आपके लाइटर मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। और लाइटर का जो एक एडवांटेज है, बहुत रेयर चीज़ है, ईजिली नहीं मिलता, और इसका लेकिन एडवांटेज ये है कि आप कोई भी क्रेट खोलना चाहो, यहाँ पे तीन क्रेट्स हैं, तो आपको ये नहीं है कि वुड होना चाहिए या फिर एल्युमिनियम ब्लॉक होना चाहिए या फिर स्टील ही होना चाहिए। अगर आपके पास लाइटर है तो आप तीनों कोई भी खोल सकते हो तीनों में से। तो अब मैं आपको यहाँ पे डिटेल में भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे एक फ्रेंड के पास तीनों चीज़ें अवेलेबल थी, वुड, एल्युमिनियम ब्लॉक और स्टील, और मैंने गेट आइटम्स पर टैप करा और ये सारी चीज़ें स्टील कर ली। अब उसने रैंगल पे अभी स्पार्क द फ्लेम वाला ये जो चीज़ है वो नहीं खेला होगा, और वहाँ से बूस्ट अपने कलेक्ट नहीं करे होंगे, तो उसके पास प्रोटेक्शन नहीं है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे स्टील कर पाई। अगर यहाँ पे प्रोटेक्शन लगा होगा तो स्टील नहीं कर सकती मैं। तो यहाँ पर इतनी सी ये चीज़ है समझने वाली, और आई होप आपको ये चीज़ क्लियरली समझ आ गई हो। एंड गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। इस वीडियो पे एम करते हैं 150 लाइक्स का, सो ज़रूर से कंप्लीट करवा देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।